पुलिस ने आभूषण चोरी कांड एवं बच्चा अगवा कांड के मामले का सफल भंडाफोड़ किया है। इस मामले में चोरी हो गए आभूषणों की भी बरामदगी पुलिस ने कर ली है। इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि बीते 4 जनवरी को शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के विशुनगंज चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान से 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात की चोरी हुई थी। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया था। इसे लेकर विधि व्यवस्था के SP भारत सोनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि इसी तरह की चोरी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी हो रही है, जिसके बाद टीम ने अनुसंधान आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में छापेमारी कर चोरी कांड के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उक्त गिरोह के द्वारा ही गया के विशुनगढ़ चौक स्थित ज्वेलरी दुकान से जेवरातों की चोरी की गई थी। इनके पास से चोरी किए गए सभी आभूषणों की बरामदगी की गई है। उन्होंने बताया कि ये अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं जो विभिन्न राज्यों में इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। SSP आदित्य कुमार ने बताया कि बच्चों के अगवा करने वाले गिरोह का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बीते 3 नवंबर को गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव निवासी वाल्मीकि सिंह के 7 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार को अगवा कर लिया गया था। अगवा करने वाले गैंग ने फिरौती के रूप में 6 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस दबिश के कारण अपहरणकर्ता उक्त बच्चे को गया जिले के बंधुआ रेलवे गुमती के पास छोड़कर फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस द्वारा तकनीकी अनुसंधान के क्रम में इस अपहरण कांड में शामिल 4 लोगों को नवादा जिले से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें मुख्य सरगना रोशन कुमार एवं उनके सहयोगी छोटू कुमार उर्फ कमांडो शिवम कुमार मिश्रा, सत्यम कुमार उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से फिरौती कांड में इस्तेमाल किए गए मोबाइल, सिम कार्ड व स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में 3 और लोग शामिल थे जो फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे के अपहरण कांड में एक रिश्तेदार भी शामिल था, जिसकी निशानदेही पर उक्त मामले का उद्भेदन किया गया है। अच्छा कार्य हुआ है गया जिला गया पुलिस के द्वारा कि एक दुकान में चोरी हुई थी विष्णुगंज चौक मगध मेडिकल थाने में, जिसमें लगभग 5 किलो की सोना चांदी की जो चोरी थी ज्वेलरी की दुकान में वो बताई गई थी। इसमें हम लोग काफ़ी गंभीरता से इसमें हम लोग लगे हुए थे। इसमें CTSP साहब और SDPO लॉ एंड ऑर्डर, इन लोगों ने काफ़ी चैलेंज की तरह इसको लिया। इसी क्रम में पता चला कि चंदौली में भी एक सिमिलर टाइप की घटना हुई है, तो हम लोगों का एक शक और बढ़ा। तो हम लोगों ने एक टीम भेजी शाहजहाँपुर में। हम लोगों ने जब बैक ट्रैकिंग शुरू करी तो शाहजहाँपुर में 4 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है और वो सारा का सारा जो सामान है वो बरामद किया गया है। उसके अलावा भी उनके पास से ज़्यादा रिकवरी हुई है। उसमें भी हमें उम्मीद है कि और भी जो विभिन्न चोरियाँ बीच में हुई हैं वो हम लोग करेंगे। इनके पास से बरामदगी जो हमारे जो जितने भी FIR में वो सारी चीज़ें मिली हैं। वादी ने भी उन चीज़ों को पहचान लिया है और उसके अलावा उनके पास से जो विभिन्न उन्होंने जो चोरियाँ करी हैं जो UP में या अगल बगल में, वो भी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। अभी क्योंकि वो जांच चल रही है, उसके बारे में आपको इसमें प्रेस मीट के मैं आपको बता दूंगा। इसमें कांड हुआ था 3 नवंबर को, जिसमें वादी थे वाल्मीकि सिंह रसलपुर। वहाँ से एक 7 वर्ष के बच्चे को 3 अज्ञात अपराधियों ने अपहरण किया था और 6 लाख की फिरौती मांगी थी। इसमें हम लोगों ने जब प्रयास किया तो हम लोग कहीं ना कहीं नज़दीक पहुंच गए थे, तो बच्चे को छोड़ के बंधुआ गुमटी के पास बच्चे को छोड़ के वो भाग गए थे। परंतु तभी हम लोगों को लगा कि हम लोग लगभग पास हैं, उसको डिटेक्शन पे हम लोग लगे रहे और ये कल मतलब आज जाके ये डिटेक्शन इसका पूरा कंप्लीट हुआ और पूरा एक जो गैंग था जो इस तरह के काम कर रहा था उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। इसी में एडिशनल SP साहब, SDPO साहब और SIT जो लोगों की यहाँ की फॉर्म हुई थी और DIO के हमारे जो कर्मठ कर्मी हैं वो सब लोग आए। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग करी है। एक छोटू कुमार उर्फ कमांडो, एक शिवम कुमार मिश्रा, एक सत्यम कुमार उर्फ नेपाली, 3 लोगों की। इनके पास से जो गिरफ्तारी में हुई है उसके बाद जैसे इनके मोबाइल वगैरह जो रिकवर किए वो वही मोबाइल हैं जिसमें इन्होंने जिनसे फिरौती मांगी थी। उसमें कुछ सिम कार्ड बरामद हुए वो भी वही हैं। फिर एक गाड़ी है स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसको भी बरामद किया गया जो उन्होंने घटना में इस्तेमाल की थी। फिलहाल तो ऐसी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए NBC 24।